कर लेते हैं लोगों पे, लाइक नेबर्स, इस केस में भी नेबर्स थे. एंड तो क्या आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या इतना इजीली किसी पे ट्रस्ट करना चाहिए, या पेरेंट्स को कितना विजिलेंट रहना चाहिए इन इश्यूज पे? एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ उससे कि आजकल आप मेरे ख्याल से कोई ऐसा पन्ना नहीं है अखबार का, जब हम अखबार खोलते हैं, चाहे वो हिमाचल से रिलेटेड हो, हरियाणा, पंजाब, चाहे वर्ल्ड में हो, कि ये ऐसा किस्सा हमारे सामने आ रहा है, नहीं आ रहा है. और हमें बहुत जरूरी है अपने बच्चों को समझाना व्हाट इज बैड टच, व्हाट इज गुड टच, हम किसको अपना माने और किसको अपना ना माने. पर बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट इसलिए है, आप नेबर्स की बात करते हैं, हम तो अपने घरों में ही अपने बच्चों से सुरक्षित हैं. वी आर नॉट इवन, वी डोंट नो, अगर ज्वाइंट फैमिली है, वहां पर अंकल है, चाचा है, ताया है, यू हियर फादर्स, यू नो, हु डू वी बिलीव, व्हाट डू वी डू, व्हाट डू वी डू अबाउट इट, क्या करें उनको. इट्स जस्ट दैट प्रोटेक्टिंग योर चाइल्ड एंड टेलिंग हर और हिम टू बी कॉशियस. एंड एज पेरेंट्स, कल को यही बच्चे भी तो माँ बाप बनेंगे ना, कभी ना कभी तो ये भी तो बनेंगे. सो समवेयर डाउन द लाइन यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन एंड मेक द चिल्ड्रन स्ट्रॉन्ग, दैट्स ऑल. मैंने कहा ना, चैलेंजेस खत्म नहीं होगी, बढ़ेंगी एंड दे आर गोइंग टू बिकम वर्स ना, क्योंकि आपके डिमांड्स इतने हैं, ग्लोबलाइजेशन इतनी हो गई है, एक्सपोजर ऑफ द मीडिया है, दे आर ऑल टू लिव हियर, मीडिया इज हियर टू लिव विद अस, हमें उनके साथ रहना है, चैलेंजेस कंपल्शंस है, लेकिन फैमिली लाइफ, योर फैमिली फाउंडेशन हैज टू बी वेरी 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 स्ट्रांग. आई फील वेरी स्ट्रांग अबाउट इट, बहुत जरूरी. मैम जैसे अभी कुछ एक छोटे ही बच्चे का हादसा दिल्ली में हुआ है, प्रदुमन वाला जो केस हुआ है, उसमें एक डिफरेंट स्टोरी है. मतलब वहां पे पैसे का कोई मामला नहीं था, बट वहां पे ये था कि वो जो डर था, उस जो वो जो सीनियर स्टूडेंट है, उसके मन में ये डर था कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, और इन चीजों की वजह से उसने एक मतलब इतना जघन्य अपराध किया. तो क्या हमारा ओवर एम्बिशियस होना पेरेंट्स का, या टाइमली अपने बच्चे को करेक्ट ना करना कि वो इस तरह का कदम उठा पाए, तो एज ए एजुकेशनिस्ट आप इसको क्या समझते हो कि इन चीजों को कैसे हैंडल करना चाहिए? बिल्कुल, यू नो, अगेन वही कंपल्शंस है, डिमांड, व्हाट इज आवर एजुकेशन पॉलिसी डिमांडिंग? अगर वो ऐसा बच्चे ने करा तो व्हाट इज एजुकेशन पॉलिसी? यू डोंट गेट दिस कि पीटीएम ही चेंज करा दो, पेपर ही चेंज करा दो. यू नो, अगेन पेरेंट्स, अगेन आई वुड सजेस्ट, अभी आपने देखा होगा कि अनाडेल में हादसा हुआ है बच्चे के 11th स्टैंडर्ड का, और उसमें ये बताया गया था कि द फादर बहुत ज्यादा उसको वो कंपेयर करते थे कि तुमने मेडिकल लेना, नॉन मेडिकल लेना, जो भी है, यू नो, जिस फील्ड, जिस सब्जेक्ट का है. बच्चा इतना दुखी हो गया, तंग हो गया, और वो ही कमिटेड सुसाइड. अगेन द कंस्ट्रेंट, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन लाइफ फॉर चिल्ड्रन, एंड एक्सपोज करो उस चीज को. सब लोग ही मेडिकल, नॉन मेडिकल, इंजीनियरिंग, देयर आर मेनी थिंग्स टू डू. एंड आई थिंक इस चीज को लेके मैं ये कहूंगी कि ऐसा नहीं कि हमारे एजुकेशन पॉलिसीज में वो हमारे को सुविधाएं नहीं है, या हमारे को वो उस चीज को लेके हम कर नहीं सकते, उतनी छूट है, लेकिन वो पेपर में है. लेकिन एक प्रिंसिपल, एक मैनेजमेंट स्कूल का, उसको लेके आगे कैसे बढ़ता है? आप ऑप्शंस अपने स्कूल्स में देते हो क्या? आपने अपने स्कूल्स में बिसाइड्स मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स और कॉमर्स के कुछ और रखा है? देयर आर वोकेशनल सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. इट्स सो इम्पॉर्टेंट, एक हुनर होना, एक बच्चे में स्किल आना बहुत जरूरी. मैं अपने स्कूल की कह सकती हूँ कि 9th ऑनवर्ड्स, 9th, 10th, 9th में हम IT एज अ वोकेशनल रखते हैं, एंड 11th में वी हैव गॉट मास मीडिया एंड प्रोडक्शन. सो ऑप्शंस आर देयर, यू नो, यू जस्ट हैव टू पिक इट अप कि आपने करना है. सो आई थिंक वो भी एक है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि भाई बच्चा इतना डरा हुआ था और उसने सोचा कि मैं क्या करूं, मार ही देता हूं तो शायद पीटीएम बदल जाएगी या कुछ हो जाएगा, यू नो, दोज थिंग्स आर देयर. बट अगेन एज यू सेड, दिस शॉर्टकट्स इन लाइफ, आर बीइंग एक्सेप्टेड, यू नो, इन आवर सोसाइटी इट इज बीइंग एक्सेप्टेड. एंड मैन जैसे विमेन